सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ मंच पर तशरीफ फरमा हुए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत हुसैन साहब तशरीफ ला रहे हैं 73वें योम जमहूरियत के सिलसिले। दिन यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे मुल्क में हमारा आईन लागू हुआ और फिर पूरी भारतीय कौम इस मुल्की दस्तूर के मुताबिक हमारी जो तरक्की की राह पे गामजन हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हम तमाम शुबाही जिंदगी में दुनिया के दीगर ममालिक के शाना बशाना खड़े हैं। हमारे शहरों देहात बिजली की तरसील की बदौलत रात को तारों का सा मंजर पेश करते हैं। हमारे तालीमी इदारे सैकड़ों हजारों असातिज़ा लाखों तलबा इलम को आम करने की खिदमात में लगे हैं। खला में उड़ते हवाई जहाज, पटरी पर चलती रेलें, आरामदेह सफ, बेहतर और आसान तिब्बी सहूलियात हमारी इज्तमाई और इंफरादी तरक्की का नक्शा पेश करती हैं। महजन कहाँ है वो यही आर्यावरत हिंदुस्तान है। हमारे इसी आइन या दस्तूर के जरिए दिए गए हकूक और कवानीन की बदौलत यहाँ हर शहरी को बराबरी के हकूक मिले और इसमें मजीद ये कि पसमानदा ज़ातों, पसमानदा कबाइल, पसमानदा तबका जात और पसमानदा इलाकों को रिजर्वेशन की सूरत ज़्यादा मरात और मौके फराहम हुए, जिसकी बदौलत समाज के सभी वर्गों को यकसा तरक्की करने के मौके मैसर आए। साथ साथ ज़िला पुंछ ने भी बेतहा तरक्की की है। ज़िला पुंछ ने दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी खातर खावा तरक्की की है। अपनी शमशीर को झुकाते हुए मंच के दाखिले से गुजर रहे सब इंस्पेक्टर वरुण शर्मा की कैदत के दस्ते की और जम्मू कश्मीर सूरत हाल से निपटने के लिए अंकित शर्मा की कैदत टुकड़ी मंच के सामने से गुजरी है। ननूम इस्लामिया हाइट्स के स्कूल के टुकड़ी मंच के सामने से गुजरती हुई बैंड पार्टी अवस्था मजहर।